गाइस आज मैं अपनी बैटिंग सीरीज का पार्ट नंबर 2 बना रहा हूँ या डे 2 इसमें मैं आपको बता रहा था कि आप फॉल्ट को कैसे अवॉइड करोगे, अगर आप फॉल्ट कर रहे हो तो आप अवॉइड कैसे करोगे। तो आज के वीडियो में एक और बहुत यूनिक फॉल्ट है, यूनिक नहीं बोल सकते, बहुत कॉमन फॉल्ट है, सारे बैट्समैन करते हैं लेकिन पता नहीं किसी को। वो फॉल्ट अगर आप ठीक कर लोगे ना आपका वर्टिकल बैट शॉट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस एक क्रिकेटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली होती हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। मैं आपको पहले दिखाने के लिए कुछ शॉट्स को मैं खेलूंगा यहाँ पे, और आप मुझे बताना मैं इसमें क्या गलती कर रहा हूँ। ये बहुत कॉमन फॉल्ट है जो बिगिनर लेवल पे, इनफैक्ट एलीट लेवल पे भी बैट्समैन करते हैं, पर वहाँ पे वो क्या करते हैं इसको एडजस्ट करते हैं। एक इंटरनेशनल प्लेयर है, आप बैटिंग को देख के बाद बताना कि कौन सा सा प्लेयर जो ये फॉल्ट करता है, लेकिन वो बहुत टॉप क्लास प्लेयर बैट्समैन है। ठीक है, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और मैं बैटिंग कर रहा हूँ बिना किसी इक्विपमेंट के, लेकिन आप मेक श्योर आप पूरी इक्विपमेंट पहन के बैटिंग करो। मैं क्योंकि आपको डेमो दे रहा हूँ ना, तो मैं अभी ज़्यादा तेज बॉल डलवाऊंगा नहीं, और पर्टिकुलर एक ही लेंथ तक बॉल डलवाऊंगा मैं। आपको ध्यान रखना आप बिना इक्विपमेंट के बैटिंग नहीं करेंगे। वीडियो देखना मैं क्या गलती कर रहा हूँ मेरे बैकलिफ्ट में। मैं ये वाला फॉल्ट जो है वो बेसिकली बैट्समैन करते हैं बैकलिफ्ट के अंदर अपने। बैटिंग बताना मैं क्या फॉल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको देख के समझ आ गया होगा अगर मैं फॉल्ट अपने आप ये फॉल्ट करते हो या आपने वीडियो को बहुत अच्छे से पॉज किया होगा ना तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बता दूं, पता है मैं क्या कर रहा था। मैं अपने स्टांस में जैसे नॉर्मल स्टांस ये उठी है, लेकिन मैं अपने बैट को सारे शॉट पर यहाँ से स्टार्ट कर रहा था जो बहुत ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। अभी प्रेजेंट में टेस्ट खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, कमेंट उनका नाम कमेंट सेक्शन नीचे आप कमेंट करिए। ठीक है, इतना ही काफी आपको। तो ये वाला फॉल्ट वो करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके बाद में एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल पे अगर फॉल्ट करते हो तो मैं आपको एडजस्टमेंट करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। आप इस फॉल्ट को ठीक करिए। ठीक है, मैं कुछ शॉट आपको खींचे और दिखा रहा हूँ। अभी आपको फॉल्ट समझ आ गया है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा ये फॉल्ट करोगे तो आपकी बैटिंग इससे कैसे इफेक्ट होगी। देखो क्या होता है, आपको बीमारी जब होती है ना, बीमारी से आपकी बॉडी कैसे इफेक्ट हो रही है वो आपको बताना चाहिए, तब आप उसको थोड़ा ठीक करेंगे और आपका मन लगेगा। अगर जब आपका बैट आपका जो बैकलिफ्ट है ना वो नॉर्मल बैकलिफ्ट सारे टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है स्टीवन स्मिथ, उनकी बैकलिफ्ट सारे टाइम यहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखो आपकी बैकलिफ्ट अगर यहाँ से स्टार्ट होगी यानी कि आपको बैकवर्ड पॉइंट रीजन से, तो आप यहाँ से आप ऑन साइड के शॉट तो बहुत अच्छे मार दोगे। आप ऑन ड्राइव अच्छा मार दोगे, यहाँ से आप फ्लिक अच्छा मार दोगे, यहाँ से आप ब्लास्ट बॉली पर अच्छा मार दोगे। फिर जब बात आएगी ऑफ स्टंप पे खेलने के लिए, ऑफ स्टंप पे स्पेशली ड्राइव, फ्रंट फुट ड्राइव, बैक फुट ड्राइव, यहाँ से आपका कट भी अच्छा लग जाएगा। बैक आर पहले भी है तो आपका यहाँ से कट भी अच्छा लग जाएगा। आप देखो स्टीवन स्मिथ अपनी बैटिंग में कुछ चेंज नहीं करते हैं, जब भी वो फ्रंट फुट पे ऑन ड्राइव पे ऑन साइड पे खेलते हैं, कट खेलते हैं, पुल खेलते हैं, फिर जब वो ड्राइव खेलते हैं तब तक क्या करते हैं वो ड्राइव खेलते हैं, तो बैट को हमेशा हमेशा बैट को इधर लेते हैं, तब यहाँ से फ्रंट फुट पर ड्राइव खेलते हैं। तो अगर आपकी बैकलिफ्ट कुछ इस तरह से है तो आप ऑफ स्टंप पे स्पेशली मिड ऑफ कवर एक्स्ट्रा कवर पर वर्टिकल बैट से शॉट नहीं खेल पाओगे। अगर खेलोगे भी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बैट का आउटसाइड एज लगे या आप बॉल का बीट हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉल मिडिल ना हो। ठीक है, तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो थोड़े ठीक कैसे करेंगे हम। ठीक है, अभी वीडियो में आपको पूरा डेमो देने वाला हूँ मैं कैसे ठीक करेंगे। डेफिनेटली आपको ये जो वीडियो देखोगे ना आपके बैटिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगा। वीडियो लाइक जरूर कर देना। अभी देखो पहले अभी देख लो कि ये फॉल्ट होता क्यों है। ठीक है, हमारा जो बैकलिफ्ट है ना फॉल्ट है यहाँ पर, लेकिन करेक्शन कहीं और है। आपका जब बैट है ना, आप जब क्रिकेट मूवमेंट लेते हो तो आपका ये फ्रंट शोल्डर आप बहुत ज़्यादा वाइड कर दे रहे हो। ये आपका फ्रंट शोल्डर गया मिडाउन की तरफ, आपका फ्रंट शोल्डर इधर गया तो आपका जो बैकलिफ्ट है ना वो अटैच है आपके टॉप एंड से, और जो आपका फ्रंट शोल्डर इधर गया ना देखो आपका बैट कहाँ आ गया है। देख रहे हो आप जो फ्रंट शोल्डर है ना ये बैट से मेनली ये अटैच है। अगर आपका फ्रंट शोल्डर क्रिकेट मूवमेंट में ऐसे ओपन हो गया देखो आप बैट कहाँ आ गया,
फ्रंट शोल्डर गया मिड ऑन पे, बैट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से ऑन ड्राइव के लिए बैट में रेडी है, लेकिन जब यहाँ से कवर ड्राइव खेलूंगा तो मुझे पहले शोल्डर बंद करना पड़ेगा, और बंद करते करते बहुत लेट हो जाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या, देखो मैं बैटिंग दिखा रहा हूँ आपको, आपको ट्रिगर मूवमेंट में अपने फ्रंट शोल्डर को डाउन में रखना है, तो ये डाउन द विकेट सामने, ये फ्रंट शोल्डर को, अगर फ्रंट शोल्डर आपका डाउन द विकेट रहेगा तो आपको बैट कहीं नहीं जाने वाला है, पर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शैडो में भी और बैटिंग में भी। मैं वैसे ये वाला ट्रिगर मूवमेंट करता नहीं हूँ, पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। पता है आपको अपनी बैटिंग को बहुत स्टाइलिश करना है, और छोटे से छोटे फॉल्ट को आप दूर करोगे ना तो आपकी बैटिंग करते हुए आपके आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आज का जो दौर है ना, वहाँ पे स्टाइलिश बैट्समैनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप स्टाइलिश बैटिंग करोगे, आप बॉल टू बॉल खेलोगे, आप बॉल को लपेटोगे, मतलब लपेटा लपाटी नहीं करोगे, तो बैटिंग अच्छी हो जाएगी। और एक जो आपको वॉच कर रहा होगा, जो आपको जज करने के लिए खड़ा होगा, जो सेलेक्टर लोग होते हैं, उन पर एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला बॉल अपना ठीक करिए, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप बैट के रिगार्डिंग, बैट लिफ्ट के रिगार्डिंग कौन से फॉल्ट आप मेनली करते हो, ठीक है। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।